सर पाकिस्तान जर्मनी के ताल्लुकात के बारे में बात करते हैं। ये ताल्लुकात 1951 में बने, हमने देखा कि अब बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। फिर 1961 में जो है पाकिस्तान के उस वक्त के सदर ने विजिट भी किया जर्मनी का। तो सर आप पाकिस्तान जर्मन ताल्लुकात कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तान और जर्मनी के ताल्लुकात हमेशा से अच्छे रहे हैं, और आप जानते हो कि पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ और जंगे अजीम दोम के अंदर जो है जर्मनी जो है बरतानिया और के अपोजिंग कैंप में था। जब ये आज़ाद हुआ तो यानी कि जंगे अजीम ख़त्म हुई तो जर्मनी दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, एक सोवियत हिस्सा था और एक जो है वेस्ट जर्मनी जो है वो मगरब के ज़ेर असर अमरीका के ज़ेर असर था। तो पाकिस्तान भी उस ज़माने में आप जानते हो कि अमेरिका के कैंप के अंदर था, तो पाकिस्तान के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे वेस्ट जर्मनी के साथ, जबकि ईस्ट जर्मनी जो है उसके इंडिया के साथ ताल्लुकात ज़्यादा थे क्योंकि वो सोवियत यूनियन के ज़ेर असर था। और आपको एक जान के हैरत होगी कि जो जर्मन है ये आर्या कौम है और इनका ख़ास इंटरेस्ट है हमारे KPK के अंदर, क्योंकि ये कहते हैं कि जो ये पश्तूनज हैं इनके साथ इनके गहरे जो हैं रवाबित हैं, और अगर आप बोलने का तरीका देखो तो जर्मनी जर्मन के बड़े करीब करीब दोनों का लहजे और बोलने के तरीके भी हैं पश्तूनों के और उनके। पाकिस्तान के अंदर जो है आप जानते हो कि हमारी इस वक्त जो पाकिस्तान आर्मी की मेन असॉल्ट राइफल है G3 वो भी बेसिकली जो है जर्मन में की है। और आपको हैरत होगी कि एक ज़माने के अंदर पाकिस्तान ने जो है $25 मिलियन का लोन भी दिया था 20 साल के अरसे के अंदर जर्मनी ने वापस करना, तो इस चीज़ को जर्मनी ने अपने दिल के साथ लगा के रखा हुआ है। और जर्मनी जब पाकिस्तान के ऊपर बुरा वक्त या सख्त वक्त आया है तो जर्मनी पाकिस्तान के साथ आके खड़ा हुआ है। अभी भी आप देखें साइमंस हो गई, इस तरह की और कंपनीज हैं जो यहाँ पे काम कर रही हैं। कराची का गोथे इंस्टीट्यूट जो है वो जर्मनी की तरफ से एक तोहफा है। और आपको एक और मैं बात बताऊँ, 2019 के अंदर पाकिस्तान का जो बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनमें चौथे नंबर के अंदर जर्मनी है, और 2019 के अंदर पाकिस्तान ने तकरीबन $1.1 बिलियन की जो अशिया है वो जर्मनी को एक्सपोर्ट की, जबकि जर्मनी से $1.8 बिलियन की जो है हमने जो है दरामद की। और आप जानते हो कि पाकिस्तान के अंदर उनकी एम्बेसी है रावलपिंडी के इस्लामाबाद के अंदर, उसके अलावा जो कॉन्सुलेट्स हैं वो तकरीबन चारों सूबों के अंदर है। अच्छा, इसमें मैं एक जर्मनी और पाकिस्तान की दोस्ती को हम बात करें तो वो नामुकम्मल रहेगी अगर हम मार्टिन कोबलर की बात ना करें। आपको याद होगा कि वो एक खुश चेहरा, हंसने वाला चेहरा जो उर्दू में बात करता था, जो हमारे अभी रिसेंटली जो सफीर यहाँ पे थे, और उन्होंने जाते जाते कितना प्यारा कॉम्प्लीमेंट दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, मेरा दिल हमेशा जो है वो पाकिस्तान का रहेगा, इट विल बिलोंग टू पाकिस्तान। तो इसी तरीके से फौजी तावन भी है, स्ट्रेटेजिक जो है मामलात के ऊपर भी। दरमियान में एक पैच आया था जिसके अंदर कुछ गलत फहमियां पैदा हुई थी 2011 के अंदर, 3 जो हैं जर्मन एजेंट्स जो हैं वो पाक अफगान सरहद से पकड़े गए थे, जिनको फिर FIA ने पाकिस्तानी ने उनकी जो है तफ्तीश की, और उसके बाद जर्मनी ने उसके ऊपर जो है नाराजगी का इजहार किया। खैर, हमने उन्हें फिर पर्सोना नॉन ग्रेटा किरार दे के जो है निकाल दिया। लेकिन इस वाक्य के बाद आप जानते हो कि राहील शरीफ भी वहां पे गए, उनके आर्मी चीफ भी जो है वो पाकिस्तान में आए। तो एज अ होल अगर आप देख लें तो जर्मनी ने पाकिस्तान का साथ दिया है। जर्मनी एक ऐसा रिलायबल दोस्त है कि जिसने वक्त पे जो है हमारा साथ भी दिया, और वो जो एक अच्छे वक्तों में पाकिस्तान ने उन्हें कर्जा दिया था वो भी जर्मन कौम अभी तक नहीं भुला पाई, जो बताती है कि कितनी खुददार और गैरतमंद ये कौम है। और आज भी आप देख लो कि जर्मनी जो है किस तरीके से खड़ा हुआ है। अगर अमेरिका को अपने वर्ल्ड ऑर्डर में किसी मुल्क से खतरा है यूरोप के अंदर तो वो जर्मनी है, और जर्मनी का उसे पता है कि ये एक ऐसा मुल्क है कि जिसे जितना हम दबाएंगे उतना ही ज्यादा ये बाउंस बैक करेगा और ताकत पकड़ेगा। तो पाकिस्तान और जी जी 2011 का जिक्र किया, तो तकरीबन 2011 में जब थोड़े से हालात पाकिस्तान के थोड़े सख्त थे तो उस वक्त तकरीबन 2.3 बिलियन इन्वेस्ट किया गया था जर्मनी की जानिब से। अगर थोड़ा सा आगे चल के मजीद देखा जाए तो तकरीबन 2017 तक जो नंबर फिगर्स हमारे सामने आए हुए 3.19 बिलियन इन्वेस्ट किए गए हैं, ना सिर्फ ट्रेड में और इन्वेस्टमेंट भी की गई मुख्तलिफ जगहों पर। तो सर एक ये भी चीज़ है, और एक और फिगर जो सामने आया है वो है 2019 के अंदर एक जो एस्टिमेट लगाया गया कि जर्मन के अंदर कितने पाकिस्तानी जो हैं वो रहते हैं, तो तकरीबन 124,000 एक फिगर सामने आया। तो सर आप इन इन्वेस्टमेंट्स को कैसे देखते हैं और पब्लिक टू पब्लिक कनेक्शन कैसे देखते हैं, क्योंकि पब्लिक टू पब्लिक कनेक्शन भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है।
असल में बात यह है कि पाकिस्तान की एक स्ट्रेटेजिक अहमियत जो है वो तो आप उसे डिनाई नहीं कर सकते कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के दहाने पे हम हैं। दुनिया की 40% ऑयल सप्लाई जो है वो गल्फ से गुजरनी है और पाकिस्तान से होके गुजरनी है। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट है। उसके बाद अगर आप देखें कि जो पाकिस्तान ज्वाइन कर रहा है साउथ एशिया को मिडल ईस्ट के साथ और सेंट्रल एशिया के साथ, चाइना का एक इम्पॉर्टेंट हमसाया है, और बैन अल-अक्वामी जो इस वक्त सिनेरियो चल रहा है उसमें पाकिस्तान को आप डिनाई नहीं कर सकते। कोई भी मुल्क जो सही दिमाग से सोच रहा है, बायस के बगैर सोच रहा है, वो समझ सकता है कि पाकिस्तान इस वक्त इस खत्ते का सबसे अहम तरीन मुल्क है। एक तो वजह वो आ गई, दूसरा कुछ डिप्लोमेटिकली आप जो एक दूसरे का साथ देते हैं, देते आए हैं, जिस तरीके से जर्मनी ने पाकिस्तान का साथ दिया, और अभी भी आपको पता है कि हर साल जो है 2000 मेरे ख्याल में 19 में आखिरी स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात हुए थे हाईएस्ट लेवल पर पाकिस्तान के और जर्मनी के साथ। तो एक कम्बिनेशन है, और उसमें मैंने फिर आपको एक बैकग्राउंड भी बता दिया कि जर्मन जो है वो काफ़ी जो है उसके साथ जो है पश्तूनों के साथ अपने आप को जोड़ते हैं कि पश्तून भी आ रही हैं और ये भी आ रही हैं। तो एक कल्चरल और एक काफ़ी चीज़ों के अंदर आपकी जो है हम आहंगी है जो इस दोस्ती को और मजीद बढ़ावा देती है। जी तो सर, आने वाले जो साल हैं पाक पाक जर्मन ताल्लुकात, तो हम आप जो प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि आप इन जो रिलेशनशिप्स हैं पाकिस्तान और जर्मन, तो आप इनको मजीद ऊपर जाते हुए देखते हैं? बिल्कुल मैं देख रहा हूँ, बिल्कुल देख रहा हूँ। अगर आप देखो तो रशिया के साथ नॉर्ड्रॉम स्टीम 2 जो है, जिस तरीके से जर्मनी अमरीकी मुखालफत के बगैर बना रहा है, जर्मनी इंडिपेंडेंट एक मुल्क है, और जिस तरीके के साथ वो चाइना के साथ भी उसके ताल्लुकात और रशिया के साथ भी उसके ताल्लुकात बेहतर हैं, तो अल्टीमेटली जो एक आपका आउटलुक होती है मुख्तलिफ मामलात के ऊपर वो आपके दोस्तों से मिलके ही बनती है, आप अपने मुफाद के ऊपर ही बनाते हैं। तो मेरे ख्याल में तो इन ताल्लुकात में अब इजाफा होगा, खराबी नहीं आएगी, कमी नहीं आएगी, ये और ऊपर जाएंगे क्योंकि दोनों की लीडरशिप, यार फिर मैं कहूँगा वो जो है मार्टिन कोबलर जैसे लोग जब यहाँ पे जर्मनी भेजेगा जो दिल जीतेंगे पाकिस्तानियों का, तो हम कैसे अपने दोस्त जर्मन्स को भूल सकते हैं, और हम करीब होंगे और बेहतरी की तरफ के ताल्लुक जाएंगे। जी जी बिल्कुल सर, अगर थोड़ा सा पीछे चल के देखा जाए, 1951 में ये ताल्लुक शुरू हुए, फिर 1961 में उस वक्त के सदर अयूब खान ने विजिट किया जर्मनी का, और उस विजिट के दौरान पाकिस्तान ने जर्मनी की मदद की, जिस जो मेरा ख्याल है अब तक जर्मनी के लोगों ने अपने दिल से लगा दी है। और अगर थोड़ा सा आगे बढ़ के देखा जाए तो पाक जर्मन ताल्लुकात थोड़े बीच के अंदर खराब हुए जब पाकिस्तान ने एटमिक टेस्ट किया, उस दौरान थोड़े से पाकिस्तान को मुश्किलात देखनी पड़ी, लेकिन थोड़ा सा आगे चल के मजीद अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जब मुश्किल हालात में आया तो जर्मनी ने उस इमदाद को भूला नहीं, बल्कि पाकिस्तान की आगे निकल के आप ये समझ लें कि चाइना के साथ, चाइना के बिल्कुल पीछे लग के जो है पाकिस्तान की मदद की। मैं चाइना के पीछे लग के इसलिए कह रहा हूँ कि पहले चाइना ने पाकिस्तान को सहारा दिया, उसके बाद हमने देखा कि बाकी दीगर ममालिक भी पाकिस्तान की आके मदद करते रहे मुश्किल हालात के अंदर। तो इन मुश्किल हालात के अंदर जिन जिन में जिन जिन ने हमारी मदद की, इन मुश्किल हालात में उन्हें नहीं भूलना चाहिए। थोड़ा सा अब जरा आगे 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 चला जाए तो पाकिस्तान हमेशा ये चाहता है कि पाकिस्तान सबसे अच्छे ताल्लुकात रखे, सबसे बेहतरीन ताल्लुकात हों। पाकिस्तान इस वक्त खित्ते के अंदर, साउथ एशिया के अंदर बहुत अहम तरीन पोजिशन होल्ड करता है। गवादर होने की वजह से मजीद पाकिस्तान की जो अहमियत है वो बढ़ती जा रही है। आने वाले दिनों में प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान ने विजिट करना है ताजिकिस्तान का। ताजिकिस्तान के हवाले से आपको मालूम ही होगा कि हमने जो पिछला एक शो किया था वखान कॉरिडोर पर, तो उस हवाले से भी अगर मैप देखा जाए खोल के तो ताजिकिस्तान लगता है वखान के करीब, और बिल्कुल सामने फिर चाइना आता है। तो ये बहुत अहम तरीन विजिट होने जा रहा है एक दफा फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का, एक साउथ एशिया सेंट्रल एशिया ममालिक की तरफ। अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।